हमारा आज का टॉपिक है एमसीक्यूज। उसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग एससीआर विद आरएल एंड आर लोड से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वोल्टेज सोर्स Vs इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस आर एंड एससीआर। At some finding angle delay of angle alpha, positive gate pulse is applied. Considering ideal conditions at the instant alpha, the voltage at the resistor terminal V naught is equal to. यानी कि हम लोगों ने एक voltage source Vs apply किया हुआ है, किसके across R के और SCR के, मतलब कि simple R load की बात हो रही है using SCR। तो इसकी waveform में हमें पता है कि जो है वेवफॉर्म जो होती है वो आर लोड की किस तरीके से होती है। तो आर लोड की वेवफॉर्म में जब जैसे ही हम लोग गेट पल्स देते हैं, गेट पल्स दी अगर हमने एंगल अल्फा पे, तो अल्फा से हमें वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट होती है। तो जब अल्फा से वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट होती है तो क्योंकि आर लोड है तो जो वी आउटपुट है वो बिल्कुल वी इनपुट के जैसा ही होता है और करंट की वेवफॉर्म भी बिल्कुल वी आउटपुट के जैसे यानी कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज के जैसी ही होती है। बस उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है क्योंकि वो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हो जाती है। ये जब आप उसकी वेवफॉर्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि एट एंगल अल्फा पे या एट पर्टिकुलर इंस्टेंट अल्फा पे आउटपुट वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें ओमेगा टी की जगह क्या इंस्टेंट रखेंगे, अल्फा। तो आपका आंसर हो गया C rises to, मतलब कि इंक्रीज होती है कहाँ पे, यानी कि बढ़कर कहाँ पे पहुँच जाती है, Vm sin अल्फा पे। मतलब किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू अल्फा पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, Vm sin अल्फा। सेकंड क्वेश्चन, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज मैक्सिमम व्हेन SCR इज ट्रिगर्ड एट। ये पूछ रहा है कि मतलब कि हमारा आउटपुट वोल्टेज P नॉट जो है वो मैक्सिमम कब होगा, यानी कि हम किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फा पे इसको ट्रिगर करें, उसको टर्न ऑन करें। ओमेगा टी यानी कि कौन सा इंस्टेंट होगा वो जिस पे हम इसको ऑन करेंगे, यानी कि कुल मिला के अल्फा की वो वैल्यू पूछ रहा है जिस पे हम इसको ऑन करें और हमारा आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम हो। तो आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके लिए आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी नॉट इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन टू पाई वन प्लस कॉस अल्फा, यही होता है। तो आपको पता है कि वन प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी हमारा वी आउटपुट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो कॉस अल्फा की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो होती है अल्फा की वैल्यू अगर जीरो डिग्री हो तो, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन हो जाती है। कॉस जीरो की मैक्सिमम वैल्यू जो वन होती है वो अल्फा इक्वल टू जीरो पे आकर होती है। तो वन प्लस वन टू, टू से टू कट जाएगा, वी एम अपॉन पाई मैक्सिमम वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की जो हमें कहाँ मिलेगी, वेन ओमेगा टी यानी कि अल्फा या ओमेगा टी जो जीरो होगा तब मिलेगी। तो इसका आंसर है बी, जीरो डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट फिर आर लोड और हमने जो इनपुट पे सिंगल दिया हुआ है वी एम साइन ओमेगा टी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट कैन बी। लोड करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी हमारे पास टू वी एम अपॉन आर, ठीक है। बिलो शोन द आइडियल सर्किट इज ट्रिगर्ड एट अ फायरिंग एंगल ऑफ अल्फा फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई से टू पाई प्लस अल्फा की इंस्टेंट की बात करें। आप देख सकते हैं ये सिंपल हमारे पास जो है आर लोड है और हमने एस सी आर कनेक्ट किया हुआ है आर लोड के अक्रॉस। अभी पूछ रहा है पाई से टू पाई प्लस अल्फा के बीच में एस सी आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पाई से लेके टू पाई प्लस अल्फा तक हमारा जो एस सी आर है वो रिवर्स वाइज रहेगा, क्योंकि नेगेटिव साइकिल रहेगी इनपुट की। इनपुट की नेगेटिव साइकिल होने की वजह से इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप हमारे लोड के अक्रॉस नहीं होगा। तो जितना भी वोल्टेज होगा वो सारा का सारा किसके पास चला जाएगा, हमारे एस सी आर के पास चला जाएगा। और क्योंकि नेगेटिव साइकिल में
हमारे पास जो होगा वी नॉट, सॉरी जो इनपुट होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस के वी एम साइन ओमेगा टी। तो इस वजह से वो सारा का सारा वोल्टेज एस सी आर के अक्रॉस चला गया, तो एस सी आर के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, माइनस के वी एम साइन ओमेगा टी। अभी एंगल अल्फा पे पूछ रहे हैं तो ओमेगा टी की जगह हमने क्या रख दिया, अल्फा। तो आंसर हो गया एस सी आर वोल्टेज इज माइनस के वी एम साइन अल्फा, क्योंकि लोड के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, वी नॉट जीरो होगा फ्रॉम पाई से टू पाई प्लस अल्फा, लेकिन सारा का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, एस सी आर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ सिंगल फेज थायरिस्टर सर्किट आर लोड एंड फायरिंग एंगल अल्फा द कंडक्शन एंगल कैन बी गिवन बाय। कंडक्शन एंगल मतलब कि कितने पीरियड के लिए हमारा जो एस सी आर है वो टर्न ऑन है, यानी कि कंडक्ट कर रहा है, ऑन है, करंट फ्लो हो पा रहा है हमारे सर्किट में। आर लोड की बात हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, फायरिंग एंगल अल्फा है, यानी कि अल्फा से उसने शुरू किया होगा कंडक्ट करना, और आर लोड के लिए आपको पता है कि पाई तक ही कंडक्ट करता है, पाई के बाद हमारी साइकिल रिवर्स हो जाती है, इनपुट की माइनस आ जाता है, माइनस के लिए एस सी आर कंडक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा जो है करंट जीरो हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है हमारा एस सी आर। तो हमारी जो साइकिल होती है आर लोड के केस में, आउटपुट वोल्टेज की या कंडक्शन एंगल की देखी जाए, बात करी जाए, तो हमें आउटपुट वोल्टेज कितने से कितने पीरियड के लिए मिलता है, अल्फा से लेके पाई तक मिलता है, यानी कि कंडक्शन एंगल हमारा क्या हुआ, अल्फा से पाई, यानी कि अगर इसको ड्यूरेशन की बात करें तो पाई माइनस के अल्फा, उस पीरियड की बात करें तो अल्फा से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, पाई तक, तो टोटल टाइम कितना हो गया, पाई माइनस के अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विद आर लोड इज ट्रिगर्ड एट अल्फा इक्वल टू जीरो डिग्री। अल्फा इक्वल टू जीरो डिग्री पे ट्रिगर कर दिया हमने आर लोड को, एज सच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल बी। ये हमने अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में भी देखा था कि जैसे हम अल्फा इक्वल टू जीरो रखते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, वी एम अपॉन पाई, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज होता है वी एम अपॉन टू पाई वन प्लस कॉस अल्फा। अल्फा की वैल्यू जीरो रखते ही वन प्लस वन टू, उसे टू कट जाएगा, वी एम अपॉन पाई। ये एक इस तरीके का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, और सर्टेन एससीआर कॉन्फ़िगरेशन वेवफॉर्म आपको दी हुई है। तो वेवफॉर्म से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो वेवफॉर्म है ये सिंपल आर लोड की है, क्योंकि आप देखिए पाई के बाद हमें कोई भी, आप देख सकते हो नेगेटिव साइकिल में कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो वी नॉट सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ही है, नेगेटिव साइकिल में नहीं है, तो ये सिंपल आर लोड की है, आर एल लोड की नहीं है। अब इसके लिए इसमें दो चार चीजें दे रखी हैं, आपको अल्फा दे रखा है और वी एस की वैल्यू दे रखी है 240 वोल्ट्स। तो आपको वी एस जब भी क्वेश्चन में दे रखा होगा तो वो आर एम एस वैल्यू देता है। आपको आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहले तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का आर लोड के केस में फॉर्मूला होता है हमारे पास वी एम अपॉन टू पाई वन प्लस कॉस अल्फा। इसमें बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब हमारे पास वी एम तो है नहीं, तो वी एम निकालना पड़ेगा, वी एम इज इक्वल्स टू रूट टू इंटू वी आर एम एस। जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है वो आर एम एस वैल्यू दी होती है, अगर कुछ भी मैंशन नहीं है तो आपको रूट टू से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली तो वी एम की वैल्यू आपके पास आ गई, बस अब आपको डायरेक्टली वैल्यू रखनी है वी एम अपॉन टू आई, तो टू इंटू 3.1 को 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2, सो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100.8। तो आपका आंसर हो गया बी 100.8, यानी कि 100.8 वोल्ट। वैल्यूज क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ भी आ सकती है, लेकिन इसका क्वेश्चन का करने का तरीका यही रहेगा, आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए और फिर डायरेक्ट आपको वैल्यूज रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी फिगर हमें नीचे दिया गया है ये आप देख सकते हैं आरएल लोड का है। आरएल लोड में ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन कि द लोड करंट वेवफॉर्म, आप देखेंगे लोड करंट वेवफॉर्म की बात हो रही है, जो कि पाई से लेके पाई प्लस अल्फा, यानी कि ये बीटा बोल रहा है उसे, मतलब कि पाई से लेके बीटा तक जा रही है। तो पाई से लेके बीटा के बीच में करंट का क्या नेचर होता है वो ये पूछ रहा है। लोड करंट का ग्रेजुअली इन राइजिंग होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ग्रेजुअली डिकेइंग होता है या जीरो होता है। तो जो करंट का नेचर होता है वो होता है ग्रेजुअली डिकेइंग,
ना नेगेटिव होता है, ना राइजिंग होता है, ना जीरो होता है, ग्रेजुअली डिकेइंग होता है, डिक्रीमेंट की तरफ होता है। इसकी वेवफॉर्म, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए आपको इनकी वेवफॉर्म बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चंस कर पाएंगे। करंट की वेवफॉर्म अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से इंक्रीज होते होके डिक्रीज होती थी, अल्फा से शुरू होके आई प्लस बी मतलब बीटा तक ही जाती थी, बीटा यानी कि एक्सटिंक्शन एंगल जिसको हम कहते थे। तो हमारा जो करंट है वो कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाता है, लेकिन पहले पाई तक इंक्रीज होता है, फिर पाई के बाद यह डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। कहाँ तक डिक्रीज होता है? एक्सटिंक्शन एंगल तक। ये उसी ड्यूरेशन की बात कर रहा है, यानी कि इस वाले पीरियड की बात कर रहा है। तो ये वाला जो पीरियड है पाई से लेके बीटा तक, इसमें हमारा जो करंट वेव फॉर्म होती है वो डिकेइंग होती है। जो सर्किट नीचे दिया गया है फिर से आर एल लोड का है, लेकिन इस बार आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में इस बार उसने आपको ड्यूरेशन चेंज करके कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। लोड करंट वेव फॉर्म फ्रॉम अल्फा टू पाई, तो अल्फा के पाई के बीच में कैसा नेचर होगा? अल्फा से पाई के बीच में होगा ग्रेजुअली राइजिंग, क्योंकि पाई के बाद होता है ग्रेजुअली डिकेइंग। तो आपको ध्यान से ड्यूरेशन देख के ही आंसर करना है। तो करंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सबसे पहली चीज ग्रेजुअली राइजिंग फ्रॉम अल्फा टू पाई और पाई से बीटा तक ग्रेजुअली डिके। नेगेटिव जो होता है वो होता है हमारी वोल्टेज की वेवफॉर्म। अगर आप वोल्टेज की वेवफॉर्म देखेंगे तो वो पाई तक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहती है, पाई से लेके बीटा तक नेगेटिव डायरेक्शन में रहती है। तो वोल्टेज की वेवफॉर्म, अगर यहाँ लोड करंट की जगह लोड वोल्टेज पूछा जाता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अदरवाइज इसका आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का हमारा ये है, इन केस ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विद आर एल लोड विथ फायरिंग एंगल अल्फा एंड एक्सटिंक्शन एंगल बीटा, द थायरिस्टर इज रिवर्स बाइस्ड। मतलब कि हमारा थायरिस्टर कितने पीरियड के लिए ऑफ है। रिवर्स बाइस्ड होने का मतलब है कितने पीरियड के लिए वो ऑफ है। तो हमारा जो ऑफ है, नहीं सॉरी, आपका थायरिस्टर रिवर्स बाइस्ड है। रिवर्स बाइस्ड होने में और ये पूछने में कि ऑफ है तक कितने पीरियड के लिए, दोनों में फर्क है क्वेश्चन में। आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिवर्स बाइस्ड कितने से कितने पीरियड के लिए है, तो आपको इसकी वेवफॉर्म याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो जब आप वेवफॉर्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा से लेके बीटा तक हमारे पास वेवफॉर्म मिलती है हमें आउटपुट वोल्टेज की। अल्फा से बीटा तक आपको वेवफॉर्म मिलती है कुछ इस तरीके से, ये आपकी आउटपुट वेवफॉर्म होती थी आउटपुट वोल्टेज की। फिर उसके बाद ये जीरो 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 चलता था कहाँ तक? टू पाई प्लस अल्फा तक, टू पाई प्लस अल्फा तक ये जीरो चलता है। ये वेवफॉर्म जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा टू पाई प्लस अल्फा तक ये जीरो चलता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिवर्स वाइज कितने पीरियड के लिए है, तो रिवर्स वाइज तो सिर्फ तभी होता है एससीआर जब हमारा इनपुट में सप्लाई नेगेटिव हो। इनपुट में सप्लाई नेगेटिव कब है? फ्रॉम पाई से लेके टू पाई के बीच में। लेकिन क्योंकि आर एल लोड की बात हो रही है तो आर एल लोड में हमारा कंडक्शन कहाँ तक कंटिन्यू करता है? बीटा तक, एक्सटिंक्शन एंगल तक। एक्सटिंक्शन एंगल तक कंटिन्यू करने की वजह से एस सी आर एकदम से पाई पे टर्न ऑफ नहीं हो पाता, धीरे धीरे जाके बीटा एंगल पर टर्न ऑफ होता है। फिर बीटा एंगल से रिवर्स बाइस होता है कहाँ से कहाँ तक? टू पाई तक। तो रिवर्स बाइस का ड्यूरेशन हो गया बीटा से टू पाई, फ्रॉम बीटा टू टू पाई। यही अगर ऑफ पूछा जाए कि रिवर्स बाइस ना होके कि थायरिस्टर इज ऑफ स्टेट, इज इन ऑफ स्टेट फ्रॉम, तो आंसर हो जाएगा बीटा से टू पाई प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा पे ही हमने हमारी जो है गेट पल्स दी है, तो अल्फा पे जाके हमारा एस सी आर ऑन होगा। लेकिन 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में हमारा एससीआर फॉरवर्ड बाइज्ड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है, ना कि रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि रिवर्स बाइज बोल रहा है तो रिवर्स बाइज सिर्फ नेगेटिव साइकिल में होता है। नेगेटिव साइकिल में भी आर एल लोड की बात कर रहा है तो बीटा से 2 पाई होगा, और आर लोड की बात करेगा तो पाई से 2 पाई होगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और अगर ये पूछता है ऑफ स्टेट में कहाँ से कहाँ तक है, तो बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा, लेकिन रिवर्स वाइज पूछ रहा है तो रिवर्स वाइज है बीटा से 2 पाई, क्योंकि गेट पल्स अल्फा पे दी है तो अल्फा पे ये ऑन हो जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड वाइज ये 2 पाई पे हो चुका है, क्योंकि 2 पाई पे हमारे पास फिर से पॉजिटिव इनपुट पल्स आ जाएगी इस वजह से। तो
तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और फिर उसको सॉल्व करिए। तो आज के सीरीज में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप उसका आंसर या उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।